मैं आपको बताता हूँ परमुटेशन क्या है। परमुटेशन का मतलब देखिए, इसका आप दूसरा जो नाम है वो भी बोल सकते हैं, अरेंजमेंट। इसको बोल सकते हैं हम अरेंजमेंट। तो इसको अरेंजमेंट से रिजेंबल कीजिए हमेशा, अरेंजमेंट। तो आपके सामने मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जो कि हमने एक एग्जांपल ऑलरेडी पहले ही पिक किया हुआ है। जैसे कि हमने एक पिक किया था ये वाला एग्जांपल, इसके अंदर एक पर्सन था और अपने ब्रीफ केस में वो इन आइटम्स को पैक करना चाह रहा था, ठीक है। तो अगर वो पैक करना चाह रहा था तो हमने देखा था कि इसमें जो है 6, 5 × 7 20 वेस्ट थे। और इसी तरह से एक हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया था, इसके अंदर आपका 3 × 2 × 1 ये 6 वेस्ट थे, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं समझने के लिए, बढ़िया सा एग्जाम्पल कोई। तो सपोज कीजिए, मान लीजिए ये हमारे पास कुछ चेयर्स हैं, कुछ इस तरह से हमारे पास ये आपकी पहली चेयर हो गई ऐसे, और ऐसे ही आपके पास एक दूसरी चेयर है कुछ इस तरह से, और एक आपके पास एक चेयर और हो गई कुछ इस तरह से, ठीक है। और इन चेयर्स पे बैठने के लिए, आपकी पहली चेयर हो गई, ये आपकी दूसरी चेयर हो गई, ये तीसरी चेयर हो गई, सपोज कीजिए आपके पास 7 लोग हैं, 7 पर्सन हैं, और 7 पर्सन को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ए बी सी डी, ये 4 हो गए, और ई एफ और जी, ये आपके टोटल 7 पर्सन हो गए। अगर हम इन 7 पर्सन को इन चेयर्स पर बैठाना चाहते हैं, इन 3 चेयर्स पे, तो एट ए टाइम केवल 3 ही तो बैठ पाएंगे, ठीक है। तो वो कितने तरीके से आप बैठा सकते हो, वही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के हिसाब से आप कीजिए। तो इस पे, इस वाली चेयर पे कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अगर मैं बोलूँ पहली चेयर पे 7ों के 7ों ही आ सकते हैं, कोई भी बैठ सकता है आके। तो इस पे 7 आ जाएगा, 7 7 लोग बैठ सकते हैं। अब एक तो इस पे बैठ गया, तो अब कितने रह गए, इसमें 6 रह गए। तो अगली चेयर पे बैठने के लिए हमारे पास कितने लोग अवेलेबल हैं, 6 लोग अवेलेबल हैं, और इसी तरह से इस पे 5 लोग अवेलेबल हैं। तो इसमें कितने तरीके से लोग बैठ सकते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में बताया था कि 7 × 6 × 5, अगर इसको आप सोल्व करें तो कितना आ रहा है, 210 वेज। अच्छा, अब बात करते हैं परमुटेशन की। परमुटेशन यानी कि अरेंजमेंट। तो ये अरेंजमेंट है 210 वेज, इतने तरीके से आप लोगों को बैठा सकते हैं। तो इसको आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट भी करते हैं एक सिचुएशन की तरह से, और उन्होंने कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो भी लिखने जा रहा हूँ आपके सामने। वो लिखा जाता है पी स्टैंड फॉर परमुटेशन, यहाँ जो पी लिखा है मैंने परमुटेशन के लिए लिखा है, और यहाँ पर 7 लोग हैं आपके और 3 चेयर हैं। समझ में आया, ये कैसे लिखा है, 7P3 ऐसे लिखा जाता है, 7P3, राइट। अच्छा, अभी इस चीज को अब मैं जनरलाइज करने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए एन लोग होते, अगर मान लीजिए लोग एन होते, एन मतलब कितने भी हो सकते हैं, और आपके आर नंबर की चेयर्स होती, ठीक है, तो आर नंबर की चेयर होती तो वो कितना होता, कितना होता, तो इस चीज को हम समझेंगे अब आप, ठीक है। देखिए, तो देखिए जो पहली चेयर होगी आपकी, पहली चेयर पे तो एन लोग बैठेंगे बैठेंगे, ठीक है। जैसे कि यहां पर जो पहली चेयर थी 7ों के 7ों ही ऑप्शन अवेलेबल थे, और दूसरी चेयर, अगर दूसरी चेयर की बात करें तो उसमें आपके 6 हो रहे हैं, तो यहां पर आपका एक कम हो जाएगा, जनरलाइज हम चीजों को कर रहे हैं, तो उसमें से एक आपका कम हो जाएगा, तो समझ लीजिए n-1 होंगे। और इसी तरह से अगर तीसरी चेयर तक जाते तो आपके n-2 हो जाएंगे, मतलब ये पहली चेयर पे बैठने वाले लोग हैं, ये दूसरी पे बैठने वाले लोग हैं, ये तीसरी पे बैठने वाले लोग हैं, और ऐसे ही करते करते जाएं तो आरथ चेयर पे कितने लोग बैठेंगे, अब आपको ये सोचना है, और बताइए क्या हो सकता है वो। तो यहां पर आपका जो बनेगा वो बनेगा एन आपका -r और +1, तो +1 यहां पर एक जुड़ जाएगा आपका, तो ये लास्ट में जो होगा वो ये होगा। अब ये चीज थोड़ा समझने वाली चीज है कि ये हमने कैसे लिखा। देखो, यहां पर ये चीज जस्टिफाई भी होती है, आप देख सकते हैं कि यहां पर आप एन की जगह 7 रखिए और आरथ यानी कि 3 आपका 3 आ जाएगा, और +1 देखिए यानी कि 7 − 3 = 1, 7 में से 3 − किया 4, 4 = 1, तो ये 5, यहां पर ये जस्टिफाई भी होता है। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको और चीजों की क्लियरिटी मिल जाए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि मान लीजिए आप किसी आपका बर्थडे का, आपके दोस्त का जो है बर्थडे है, और बर्थडे में आप उसको जो है कोई भी 3 आइटम देने की सोच रहे हो, इन इन सारे ऑप्शंस अवेलेबल में से आप कोई भी 3 आइटम देने की सोच रहे हो, तो आप तीनों आइटम कौन कौन से, और रिपीट नहीं करोगे, मतलब सेम आइटम को आप दोबारा नहीं दोगे, ओबीसी बात है,
तीन उसके यूज के आइटम आप देना चाहते हो, तो आपके पास देख सकते हो ये आपके पास क्या है, आपके पास पैंट है, आपके पास शर्ट है, टाई है, बेल्ट है, और तो आप और लास्ट में आपका शूज है। तो मान लीजिए आप तीन आइटम देना चाहते हो, तो एक मान लीजिए आपका पहला गिफ्ट तो ये हो गया, और आपका दूसरा गिफ्ट ये कुछ ये हो गया इस तरह का, और ये तीसरा गिफ्ट आपका ये हो गया, ये आपके तीन अलग अलग गिफ्ट हो गए कुछ इस तरह से। ये रैपर लगा देते हैं इस पे ताकि चीज़ें थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे और समझने में आसान लगे, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आपके ये आपके गिफ्ट हो गए, ऐसे कुछ ये गिफ्ट पैक हो गए, ठीक है। तो पहला जो गिफ्ट है, इस गिफ्ट में आपके पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, देखिए ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा गिफ्ट पैक हो गया, तीसरा गिफ्ट पैक हो गया। तो पहले गिफ्ट पैक में आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 ऑप्शंस हमारे पास हैं। इन 6 में से कोई सा एक दोगे तो इन 6 में से कोई भी एक चीज दे सकते हो आप। हो सकता है आप पैंट दे दो, या शर्ट दे दो, बेल्ट या टाई या वॉच या फिर शूज। तो अगले वाले में कितना दोगे आप, इनमें से तो आप रिपीट तो करना नहीं है आपने, तो आपके पास 5 ऑप्शन बचे, 5 दोगे और यहाँ पर 4 बने। तो आप कितने तरीके से गिफ्ट, आप तीन गिफ्ट अगर देना चाहते हो तो वो तीन गिफ्ट कितने तरीके से दे सकते हो आप। देखो 6 गुना 5 गुना 4 तो ये कितना हो जाएगा आपका, टोटल 120 वेज आपके हो जाएंगे, ठीक है। और अगर इसमें परमुटेशन की बात करें, जैसे कि मैंने आपको ये बता रहा हूँ, मैं परमुटेशन की डिस्कस कर रहा हूँ, तो परमुटेशन में इसमें रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, पी स्टैंड फॉर परमुटेशन। आपके पास 6 ऑप्शंस अवेलेबल हैं ये, और आपको तीन गिफ्ट देने हैं, और ये आपका 120 निकल के आ रहा है। हम जो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, हम डिस्कस कर रहे हैं जो आरत है, आरत के ऊपर क्या लिखा जाएगा, आरत के ऊपर क्या लिखा जाना है। तो मैंने इसके लिए जो फॉर्मूला बताया है, मैं ये बता रहा हूँ लास्ट टर्म आपकी ये बनेगी, तो उस चीज को यहाँ भी हम चेक करना चाहें तो देख सकते हैं। देखिए क्या होगा कि जो आपका जो थर्ड है, थर्ड वो मैंने क्या बोला, एन माइनस आर प्लस वन, ये बता रहा हूँ, तो आप देख सकते हो एन यहाँ पर जो है 6 है, और 6 माइनस 3 और प्लस वन, आप चेक करके देख लीजिए, ये 3 प्लस 1 आपका 4। देखो 4 जस्टिफाई भी कर रहा है, मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये देखो 4 आ रहा है। तो दिस मेक सेंस, ये आपको एक सेंस देता है। अच्छा अब यहां पर अगर आपको चीजें अभी भी क्लियर नहीं हो रही, तो देखिए एक चीज और यहां पर देखिए, आप एक ऑब्जर्वेशन देखो, पहली जो पोजिशन है, पहली पोजिशन पे एन लोग बैठ रहे हैं, थोड़ा सा चीजों को रिलेट करने की कोशिश करना, देखना। और जो दूसरी पोजिशन है वहां पर एन माइनस एक कम हो जाता है, ठीक है। और जो तीसरी पोजीशन है, तीसरी पे आपके ओबीसी बात है, एन माइनस टू रहा होगा। चौथी पोजीशन पे क्या रहा होगा, एन माइनस थ्री रहा होगा। और अगर पांचवी की बात करता हूं तो पांचवी पे क्या रहा होगा, यहाँ पर 5, तो यहाँ पर आपका 4 रहा होगा। ऐसे चलते जाएं तो आरथ पे क्या होगा, मतलब एन तो रहना ही है, इसमें से एक कम हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसमें से एक कम हो रहा है, तो माइनस यहाँ पर आर माइनस वन ही तो हो रहा है। आप देखो रिलेशन करो, देखो यहाँ पर आपका 2 था तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, मतलब एक कम हो रहा है। तो अगर यहाँ आर है तो यहाँ आर में से एक कम हो रहा है। तो अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये आपका एन माइनस आर माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो प्लस वन। आप समझ में आ रहा है कैसे हुआ ये, देख लीजिए। तो चलिए अब इसका एक फॉर्मूला जनरलाइज करते हैं। तो देखिए मैं इसी चीज को क्या लिखता हूँ, इसको लिखता हूँ एन एन माइनस वन आपका एन माइनस टू, और अगर इसी तरह से हम करते हुए जाएं एन माइनस आपका सोवन सोवन, तो लास्ट में आपका ये, चलिए इसकी जगह मैं यही लिख देता हूँ, आपका ये यहाँ तक आ रहा था, एन माइनस आर माइनस वन तक आ रहा था, ठीक है। अब इसमें क्या करो आप, इसमें आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एन माइनस आर फैक्टोरियल की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए आप। देखो थोड़ा सा चीज़ों को हम समझ गए, एन माइनस आर फैक्टोरियल की वो अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, तो नीचे देखिए आपका एन माइनस आर रहना ही रहना है, एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, देखिए एन एन माइनस वन एन माइनस टू, ये मल्टीप्लाई होती जा रही है ऐसे ऐसे सो ऑन, और यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई में जो आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका, एन माइनस आर माइनस वन, और इसकी फिर मल्टीप्लाई किससे हो रही होगी आपकी, एन माइनस, ये प्लस हो रहा है ना, यहाँ पर प्लस हो जाएगा जब इसको खोल दोगे, तो प्लस हो जाएगा ना। तो आप इसकी मल्टीप्लाई किससे हो रही है आपकी, एन आर से हो रही है, फिर हो रही है एन माइनस आर माइनस वन, एक एक कम होता रहेगा ना इसमें, बट सोन सोन अगर चलते जाएं तो लास्ट में कहीं आपका 3, 2 और 1 आ जाएगा, ठीक है।
तो आप एक चीज देखो, क्या ये आपस में कनेक्ट हो गए? कनेक्ट से मतलब जो हमारा फैक्टोरियल का रूल है, फैक्टोरियल का रूल क्या कहता है कि जैसे कि सात है, जैसे हमने बताया फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का रूल दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार, देख सकते हो आप यहाँ पर, ये जैसे देख सकते हैं सात था तो सात है, छः है, पाँच है, चार है, तीन, तो मतलब ये आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। कनेक्ट कैसे? एक एक कम होते जा रहे हैं, एक एक कम होते जा रहे हैं, तो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक एक कम हो गए। तो क्या यहाँ पर ये चीज कनेक्ट हुई है? देखो एन माइनस आर प्लस वन तो एक कम हुआ, कनेक्ट हो गया ना, देखो कनेक्ट मार गया। तो कनेक्ट मार गया तो इसका मतलब ये ऊपर जो ओवरऑल है इसको आप एन फैक्टोरियल लिख सकते हो, ये पूरा आपका एन फैक्टोरियल लिख सकते हो, एन फैक्टोरियल और इसके अपोन में आपका एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा एक फॉर्मूला अब ये जनरलाइज होने जा रहा है कि एन पी आर अगर बनता है तो ये होता एन फैक्टोरियल अपोन में एन माइनस आर फैक्टोरियल। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द परम्यूटेशन।